to the fast track revision course of competition community. मैं हूं निकत परवीन खान और competition community के इस pre endeavor में आज हम फिर से कुछ important polity के questions discuss करने वाले हैं. कल के हमारे polity के session में explanation के time एक दो mistakes हुई थी, उसे मैं आज rectify करना चाहती हूं. खासतौर पर एक mistake थी जब मैंने पंथ निरपेक्षता word add करने के time जो संशोधन बताया था और उसमें मैंने कहा था 42nd amendment के जरिए वो add हुआ था प्रस्तावना में, तो उसमें मैंने गलती से 1973 कह दिया था, उसे आप सुधार लें, that is 1976 and thanks for acknowledging that mistake. While explanation कभी कभी ये चीज़ें मुँह से निकल जाती हैं, so if I get the acknowledgement of that, I would definitely rectify it. ठीक है, तो 73 की जगह 42वां संशोधन याद रखिएगा 1976 में हुआ था. Is that very clear? So let us start with today's session of important questions, objective oriented for CGPSC prelims. तो आपकी question, आपकी screen पर पहला question flash हो रहा है, आप उसे पढ़ सकते हैं. So the first question is, निम्नलिखित में से किसे संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन हैं आपके राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं. ठीक, मैं थोड़ा सा पॉज इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सोचें और इसका आंसर दें. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सी द क्वेश्चन हियर इज फ्रॉम द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 5, केंद्रीय कार्यपालिका. ठीक है, जो आपका पार्ट 5 है केंद्रीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव, उससे क्वेश्चन है, जो कि आपका आर्टिकल अगर आप देखें तो 52 से लेकर 151 के बीच में दिया गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका में किन्हें किन्हें आप शामिल करेंगे. तो केंद्रीय कार्यपालिका में अगर आप देखें तो इसमें जो चार ऑप्शंस में तीन शुरू के हैं, राष्ट्रपति वो भी शामिल है, आर्टिकल 52 में आता है. देखिए इस रेंज के अंदर आ रहे हैं किन्हें हम देख सकते हैं ना, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति आता है, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी 76 में आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर 75 में आता है. तो अगर आप देखें तो 52, 76, 75 ये तीनों ही आर्टिकल्स इस रेंज के अंदर आते हैं. तो केंद्रीय कार्यपालिका में ये तीनों ही मेंबर्स होंगे और हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा ही ऐसे यूनियन एग्जीक्यूटिव में कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये सब मिला करके केंद्रीय कार्यपालिका बनाते हैं. तो इस वजह से आपका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. सारे के सारे केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल हैं और आपका ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज, इसका मतलब यह है कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो शामिल नहीं है. इज दैट वेरी क्लियर? ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सो द क्वेश्चन रीड्स एज, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले कौन नहीं है? कौन नहीं है? पहला है आपका दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर्स, तीसरा है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य. क्या होगा इसका आंसर? सोचें और बताएं. आई बी फर्स्ट टेलिंग द आंसर एंड देन आई बी गोइंग विद द एक्सप्लेनेशन. इज दैट क्लियर? चारों में से सवाल पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है, जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उनमें इन चारों ऑप्शन में से कौन शामिल नहीं है? क्या होगा आंसर? यस, इट इज बी, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य. ठीक है, आंसर होगा बी, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द सेंट्रल पार्लियामेंट. सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्टिकल 54, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है. इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, उस निर्वाचन मंडल में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा ले सकता है. तो तीन स्तर पर अगर आप देखें तो केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, वो हिस्सा लेते हैं. ठीक है, पहला स्तर है कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं. राज्य स्तर पर देखें तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषद नहीं, विधानसभाएं हैं, उसके जितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो हिस्सा लेते हैं. और हमारे यहाँ की यूनियन टेरिटरीज में से जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्हें अर्धराज्य का दर्जा मिला हुआ है, दिल्ली और पुडुचेरी, उसकी जो विधानसभाएं हैं उसके इलेक्टेड मेंबर्स भी हिस्सा लेते हैं. तो आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कौन कौन हिस्सा लेता है. ठीक, और सवाल आपका पूछा है कि कौन नहीं लेता, तो इसमें जाहिर सी बात है जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है, मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि आप एक जगह देख रहे होंगे कि सभी जगह मैंने इलेक्टेड मेंबर्स लिखा है.
केंद्रीय स्तर पर भी सारे निर्वाचित सदस्य, राज्य स्तर पर भी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी में भी निर्वाचित सदस्य, इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स, चाहे केंद्र में राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया हो चाहे राज्यों में गवर्नर ने नॉमिनेट किया हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करके। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि राज्य स्तर पर जो विधान परिषद होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। और दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा जितने आपके दूसरे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी, रेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो डू नॉट पार्टिसिपेट। वजह यह है कि वहाँ पर विधानसभाएँ नहीं हैं, वहाँ पर विधायक नहीं हैं। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाएं हैं क्योंकि अर्धराज का दर्जा इन्हें मिला है, वहाँ सरकारें हैं, इस वजह से वहाँ की विधानसभा के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो द थिंग इज, जो दिया गया है उसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या नहीं है। ठीक, केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, तीनों स्तर के मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। राज्य स्तर पर विधानसभा हिस्सा लेती है पर विधान परिषद हिस्सा नहीं लेती। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पुडुचेरी के अलावा बाकी केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक, तो यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जिससे आपका ये सेकंड क्वेश्चन था और आपका करेक्ट आंसर है आंसर बी। इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। सो आपकी स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंत्री की श्रेणियां हैं या कौन सी मंत्रियों की श्रेणियां, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, और आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, और फिर कॉम्बिनेशन में आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन है 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3 और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? ट्राई टू आंसर पैरेलली, ट्राई टू आंसर। ठीक, सो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब वो जो तीन हैं वो तीनों ही शामिल हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कहाँ से है ये? यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो आर्टिकल 74 में दिया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठा है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसमें कितने तरह के मंत्री शामिल किए जाते हैं। तो याद रखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल एक बड़ा टर्म है जिसमें अलग अलग तरह के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। इसमें पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, उपमंत्री। डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं उन्हें कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उनको असिस्ट करने के लिए अटैच किया जाता है। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है मान लीजिए, तो जो राज्य मंत्री होता है, ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट इन हिंदी, ये जो है कैबिनेट मंत्री, ये राज्य मंत्री और ये उपमंत्री। तो ये इसमें अगर सबसे शीर्ष स्थान पर देखो तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई एक विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं हुआ तो स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्रियों को प्रभार दे दिया जाता है, वरना ये कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करते हैं। और डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको कभी भी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ये हमेशा कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करने के लिए इनके साथ अटैच किए जाते हैं। तो व्हाट आई वांटेड टू कंक्लूड हियर इज, हम जो सोचते हैं कि मंत्रिमंडल और कैबिनेट मंत्री सेम है, ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल एक बड़ा टर्म है जो अनुच्छेद 74 में दिया गया है। इसमें शीर्ष पर कैबिनेट मंत्री, दूसरे रैंक पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री, और तीसरे रैंक पर डिप्टी मिनिस्टर्स यानी कि उपमंत्री शामिल है। ये सबको मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑन द डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इरेग्युलरिटीज, मतलब कि इनमें से कौन सा संसदीय समिति या विभाग व्यय और अनियमितताओं पर वॉच डॉग के रूप में कार्य करता है। और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, एस्टिमेट कमेटी या प्राकलन समिति, फिर दिया हुआ है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी लो उपक्रम समिति, फिर दिया हुआ है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति, और आखिरी में है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज यानी कि सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति। क्या होगा आंसर? पब्लिक अकाउंट कमेटी। यस, ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, लोक लेखा समिति। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर।
तो देखिए जो क्वेश्चन है ये पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर से है, मतलब संसदीय समितियां। आप जानते हैं संसद अपने कार्य प्रणाली को अंजाम देने के लिए कई सारी छोटी बड़ी समितियां बनाता है जिसे संसद का पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज में से पब्लिक अकाउंट कमेटी को गिना जाता है। सन 1921 में ये कमेटी बनी थी जिसमें कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, 7 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, 22 मेंबर्ड ये कमेटी है जिसमें से 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। और वॉच डॉग क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन था वॉच डॉग किस कमेटी को बोला जाता है, तो इसकी वजह यह है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसका मेन काम होता है टू फाइनली एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG CAG जो होता है, आप सभी जानते हैं कि वो एक एनुअल फाइनल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। और वो रिपोर्ट होती क्या है, 3 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। वो ऑडिट रिपोर्ट होती है, किस चीज़ का ऑडिट कर रहा है वो, हमारे भारत का जो राजकोष है, जो खर्चा हुआ है, जो आय व्यय हुई है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित निधि से, उसका लेखा जोखा का रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है जो कैग ने तैयार की है। ठीक है, 3 तरह की रिपोर्ट्स तैयार करता है वो, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस, ठीक है, अन ऑन द एक्सपेंडिचर। तो इस तरह की 2-3 ऑडिट रिपोर्ट्स ये तैयार करता है। अप्रोप्रिएशन पर एक रिपोर्ट तैयार करता है, यानी विनियोजन पर, फिर एक वित्त पर एक रिपोर्ट तैयार करता है और पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर एक रिपोर्ट तैयार करता है। कुल मिला के कैग जो है वो 3 रिपोर्ट्स तैयार करता है और वो पेश करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी को सबमिट कर देती। कैग ने आका कि कहाँ कैसा खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ से इनकम आई, और उसने कोई जजमेंट नहीं दी, उसने राष्ट्रपति को सबमिट कर दिया। राष्ट्रपति ने इसे संसद के सामने रख दिया, PAC के सामने। अब PAC उस रिपोर्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन, अवलोकन, विश्लेषण करती है अलग अलग तरीकों से, ना सिर्फ वैधानिक और औपचारिक तरीके से, यानी लीगल फॉर्मल वे में तो करती है कि टेक्निकली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बल्कि वो आर्थिक तरीके से और तार्किक तरीके से भी करती है। इन उसमें विजडम में इन्वॉल्व रहता है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इन्वॉल्व रहता है कि जो खर्चा हुआ, जो पैसे आए वो सही तरीके से आए कि नहीं आए। तो फाइनली ऐसा होता है कि गलत पैसा वेस्ट हुआ है कहीं, एक्स्ट्रावेगेंट जो खर्च होता है वैसा हुआ है, कहीं करप्शन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें PAC के क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सामने आ जाती हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कैग ने एक रिपोर्ट तैयार करके दे दिया, अब जो खर्चा हुआ, जो इनकम हुई, वो सही तरीके से हुई कि नहीं हुई, इसको फाइनली एनालाइज करेगा PAC, और इसलिए राजकोष पर एक वॉच डॉग बनकर बैठा हुआ है PAC। देयरफॉर दिस कमिटी इज नोन एज द वॉच डॉग, इज दैट क्लियर, जो गलत तरीके से खर्चे हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए एक वॉच डॉग बनकर ये बैठा हुआ है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन C, पब्लिक अकाउंट कमिटी। इज दैट वेरी क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच रीड्स एज, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटी से 2-4 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका कि इनमें किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, बताएं क्या होगा आंसर। यस, आंसर इज ऑप्शन B, द एस्टिमेट्स कमेटी, प्राकलन समिति आंसर है। ठीक, तो देखिए प्राकलन कमेटी जो है, जो एस्टिमेट्स कमेटी है, ये भी 1921 में ही अस्तित्व में आई है और इसमें कुल मिलाकर के शुरू में 22 मेंबर्स थे, अभी देखें तो कुल मिला के 30 मेंबर्स हैं, और ये 30 के 30 पूरे के पूरे जो मेंबर्स हैं सिर्फ लोकसभा से हैं। ठीक, इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये जो ज़्यादातर कमिटीज़ आप देख रहे हैं ना, पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंट हो गया, ये एस्टिमेट कमिटीज़ हो गई, इन सब में याद रखिएगा जो मेंबरशिप होती है वो एक एक साल की होती है। ठीक है ना, इसमें भी एक साल की मेंबरशिप होती है, PAC में भी एक साल की मेंबरशिप होती है ना, सदस्यता एक साल के लिए रहती है, फिर अगले साल नए सदस्य चुने जाते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय विधि से ही चुने जाते हैं कौन कौन मेंबर्स होंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन से संबंधित जो चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ,
ये जो प्राक्कलन कमेटी है, बजट और साल भर के जो भी व्यय होने वाले हैं संसद के, उसका एक एस्टिमेट बनाने का मेनली काम करती है, सजेशन देती है कि किस तरह से हम अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं कि सही तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से साल भर का खर्चा हो सके। तो एस्टिमेट कमेटी एक साल में बीच बीच में सजेशंस देती है कि किस तरह से हम अपने खर्चों को ज़्यादा इकोनॉमिक बना सकें, ठीक है। और इसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्टिमेट्स कमेटी। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द क्वेश्चन इज, पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन, पंचायती राज किस में शामिल है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर अवशेषी विषय वस्तु यानी रेसिडरी सूची में? बहुत इजी क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है एंड वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस जो होंगे मिक्स बैग होंगे, मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा टफ क्वेश्चंस ही आएंगे और स्टेटमेंट वाले, अवलोकन वाले क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस हमेशा मिक्स बैग होंगे, तो आप ये ना करें कि हम एक्स टू जेड पढ़ ले रहे हैं और ए बी सी डी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मॉडरेट, ईजी, टफ, सभी तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएँ और हर तरीके से तैयार रहें। तो क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली दो तरीके से, पंचायती राज सिस्टम से भी पूछा है और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, जो सूचियों का विभाजन है, उस पर से भी ये सवाल पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि पंचायती राज केंद्र की 97 वाली वो विषय वस्तु में, जो आप 100 हो गए हैं, कि राज्य की 61 वाली विषय वस्तु में है, कि समवर्ती सूची जिसमें आपके 52 विषय वस्तु हैं उसमें है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। यस, स्टेट लिस्ट में जो आपके 61 विषय वस्तु है उसमें पंचायती राज भी एक विषय वस्तु है। इसका मतलब ये है कि अगर पंचायती राज पर कोई कानून बनाना होगा तो ये केवल राज्य की विधानसभा ही बना सकती है, केंद्र की संसद नहीं। उनमें जो भी आपकी पुनर्संरचना करनी है, रीअरेंजमेंट करना है, रीऑर्गेनाइजेशन करना है, वो सब जिस राज्य की वो पंचायत है उस राज्य की विधानसभा ही डिसाइड करेगी। दैट इज इट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट। Is that clear? So let us move on to the next question, question number 7. So question 7 reads as, what is the maximum permissible strength of the legislative assembly of any state? ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम अनुमेय संख्या क्या हो सकती है, और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 400 सदस्य, 425 सदस्य, 500 सदस्य या 545 सदस्य। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है ये स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल से पूछा गया है, यानी कि राज्य विधान परिषद, या मैं कहूँ राज्य कार्यपालिका जो पार्ट 6 में है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 मेंबर्स, 500 मेंबर्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और द एक्सप्लेनेशन गोज एज, देखिए पहली बात तो मैंने आपको कहा कि पार्ट 6 जो है, भाग 6, राज्य कार्यपालिका, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है और पूछा गया है इसमें कि कोई भी राज्य में जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है, एमएलएज की संख्या, वो कितनी मैक्सिमम हो सकती है। तो देखिए, राज्य कार्यपालिका में ये चीज़ आती है कि जब भी जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, सॉरी, विधान परिषद जो है, विधानमंडल जो है, उसमें मिनिमम 60, मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है स्टेट की पॉपुलेशन पर, अगर पॉपुलेशन कम है तो कम से कम 60 मेंबर्स होने ही चाहिए विधायक, और अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम 500 मेंबर्स होने ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य में जो विधायक चुने जाते हैं वो इक्वल पॉपुलेशन से चुने जाएं। बताने का मकसद ये कि छत्तीसगढ़ में अगर एक विधायक, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ में एक विधायक 5 लाख लोगों में से चुना जाता है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश का एक विधायक 10 लाख में से चुना जा रहा है, और अरुणाचल, और मान लीजिए नागालैंड का एक विधायक शायद 1 लाख में से चुना जा रहा है, क्योंकि हमारे संविधान ने एक रेंज तय करके रखी है कि किसी भी राज्य में विधायकों की संख्या 60 से कम और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब एक कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, कुछ अपवाद हैं इसमें, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। सिक्किम, गोवा बहुत छोटे राज्य हैं और अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है, तो इनमें ये मिनिमम लिमिट वाला अपवाद है कि 60 से कम होंगे यहाँ पर, और यहाँ पे 30 मेंबर्स फिक्स कर दिए गए। इन्हें इन तीन राज्यों में 30 सदस्य होते हैं, मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46,
ठीक है, मतलब मिजोरम में 40, नागालैंड में 46, ये पांच जो अपवाद हैं ये मिनिमम वाले के अपवाद हैं कि 60 से कम नहीं हो सकते, तो इन पांच जगह पर 60 से कम है, 30, 40, 46, ठीक है। बाकी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर 60 से 500 के बीच में ही इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 मेंबर्स। इज दैट क्लियर? Okay, so let us move on to the next question now. Question number 8. So question number 8 reads as, अशोक मेहता समिति ने इसकी स्थापना के लिए सिफारिश की थी, मतलब आपको ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से किस चीज़ की स्थापना की सिफारिश इस कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने की थी, ये सवाल है। और आपके ऑप्शन है मंडल पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, ये चार आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। और अगेन आप सवाल देख सकते हैं, ये पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कमिटीज़ बनी थी उनके ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक मेहता कमेटी जो 1977 बनी थी उससे पूछा गया है। आई एम गिविंग यू दैट मच ऑफ टाइम सो दैट आप पॉन्डर कर सकें, आप थिंक कर सकें कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, क्या होगा आंसर इसका। यस, आंसर इज ऑप्शन ए, मंडल पंचायत। मंडल पंचायत इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, अगेन द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पंचायती राज सिस्टम, और आप जानते ही हैं कि पंचायती राज को अस्तित्व में लाने के लिए चार इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जी वी के राव कमेटी और एल एम सिंघवी कमेटी। तो इसमें से सन 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनी थी, 1977 में, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1978 में, ठीक है। 77 में कमेटी बनी, 1978 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, और इसमें उन्होंने कुल 132 सिफारिशें की थी, 132 इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। ये कमेटी बनाई ही गई थी पंचायती राज की रिव्यू के लिए, ठीक है। हर कमेटी को बनाने का मकसद अलग था। बलवंत राय मेहता कमेटी सीधा पंचायती राज के लिए नहीं बनी थी, पर अशोक मेहता कमेटी जो बनी थी वो पंचायती राज सिस्टम जो अस्तित्व में आ चुका था उसके रिव्यू के लिए बनी थी 1977 में। और इन्होंने कुल 132 सिफारिशें दी, जिसमें से सबसे प्रमुख ये थी कि बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर जो तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान था, जो थ्री लेवल का, थ्री टीयर का पंचायती राज सिस्टम का प्रावधान था, इन्होंने सजेशन दिया था कि इसे कम करके टू टीयर कर दिया जाए, दो स्तरीय कर दिया जाए, ठीक है। तीन स्तर की जगह पे दो स्तर कर दिया जाए, और उन्होंने कहा था कि दो स्तरों में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका जिला परिषद होना चाहिए, और उससे निचला लेवल, चाहे ब्लॉक लेवल ले लो, आप तहसील लेवल ले लो, या जो भी उसका निचला लेवल होगा, उसमें एक मंडल पंचायत होना चाहिए, ठीक है। तो मेन ये याद रखेंगे, 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनी, पंचायती राज की रिव्यू के लिए बनी, और 1978 में उन्होंने रिपोर्ट पेश की जिसमें 132 रिकमेंडेशंस या सिफारिशें थी, और जिसमें से सबसे प्रमुख जो रिकमेंडेशन या सिफारिश थी वो ये कि तीन स्तरीय संरचना को कम करके दो स्तरीय संरचना कर दीजिए, जिला लेवल पर जिला परिषद और उससे निचले लेवल पर मंडल पंचायत। तो इस तरह से मंडल पंचायत का जो अस्तित्व आता है वो अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश पर से आता है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द आंसर, ऑप्शन ए, मंडल पंचायत। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके कौन कौन से इसमें से फीचर्स हैं, कौन से हैं पूछा है ना, तो याद रखिएगा। पहला है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, यानी कि दोहरी कार्यकारिणी है या नहीं, चलो हम बाद में देखेंगे, पहले रीड आउट कर लेते हैं। दोहरी कार्यकारिणी, बहुमत दल का शासन, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, राष्ट्रपति का नियंत्रण, एकल सदस्यता। तो देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हमने ब्रिटेन से लिया है, वहाँ से क्या क्या मेन फीचर्स हमने लिए हैं उसे आप ध्यान में रखें। और फेडरलिज्म का जो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका और कनाडा से लिया गया है, वहाँ के क्या फीचर्स आप याद रखें। तो हम एक एक को एनालाइज करते हैं। संसदीय प्रणाली में देखो, दोहरी कार्यकारिणी, डुअल एग्जीक्यूटिव, ये है कि नहीं है, ठीक, ये बिल्कुल है, डुअल एग्जीक्यूटिव होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक। उसके अलावा बहुमत दल का शासन, बिल्कुल हम जानते हैं लोकसभा में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी उसी का शासन होगा, तो मेजॉरिटी पार्टी रूल, ये भी संसदीय प्रणाली की ही एक विशेषता है। तीसरा, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, संसदीय प्रणाली होती है जिस भी देश में, वहाँ पर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सरकार का मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। यानी जो दो तरह की सरकारें होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है प्राइम मिनिस्टीरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट।
तो जो संसदीय गवर्नमेंट होती है ना, वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टीरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो जहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इस तरह से पहला भी है इसका फीचर, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा देखिए राष्ट्रपति का नियंत्रण, दैट इज रॉन्ग। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपका राष्ट्रपति केवल एक नाम मात्र का मुखिया होता है, उसका नियंत्रण नहीं होता। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, ना कि पार्लियामेंट्री। तो ऑप्शन फोर गलत है। स्टेटमेंट फाइव देखिए, एकल सदस्यता, सिंगल मेंबरशिप। इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य है तो वो कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता, कार्यपालिका का सदस्य है तो वो न्यायपालिका या विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब आपकी सदस्यता तीनों अंगों में से किसी एक में ही होगी। जबकि हमारे यहाँ आप जानते हैं, या कोई भी संसदीय प्रणाली में आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य है वो कार्यपालिका का सदस्य भी हो सकता है। इफ़ अ पर्सन एट सेंट्रल लेवल इज अ मिनिस्टर, ही कंपल्सरली इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। और मैं कहूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में से डिराइव की जाती है। जो संसदीय प्रणाली है उसका मतलब होता है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ली जाती है। इसका मतलब कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्यपालिका का मेंबर है तो विधायिका का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, वो विधायिका का मेंबर होगा तब कार्यपालिका का मेंबर होगा। तो यहाँ पे डुअल मेंबरशिप है, सिंगल नहीं है। ये सिंगल मेंबरशिप जो है, ये शक्तियों का जो स्पष्ट पृथकीकरण फेडरल कंट्रीज में होता है जैसे कि यूएसए, वहाँ का फीचर है। तो मैं कहूँ अगेन, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो इसमें अगर आप देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन जो है वो संसदीय प्रणाली से संबंधित है, चौथा और पांचवा नहीं है। तो उस हिसाब से आप कूट दे सकते हैं ऑप्शन ए जो है, केवल एक, दो या तीन, ओनली 1, 2 and 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? कोई भी आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वी आर टेकिंग फ्यू मोर क्वेश्चंस टुडेज सेशन। टुडेज सेशन एज पर द डिमांड की 10 ही क्वेश्चंस हो रहे थे, तो वी आर ट्राइंग टू टेक 15 क्वेश्चंस। सो इस वजह से एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कट शॉर्ट है, बट देखिए संसद जो संविधान होता है, याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चंस ऐसे एनालिटिकली आते हैं पीएससी में, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं ले सकते। ऑब्जेक्टिव की बहुत सारी बुक्स आती है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर ये चाहते हैं, देखिए हमारा मोटिव ये है कि इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज करके ही मैं बताऊं। इसलिए हम 20-25 क्वेश्चन तो ले ही नहीं सकते, हमने थोड़े से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई है। हम 10 की जगह आज के सेशन में 15 क्वेश्चंस डील करेंगे, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कट शॉर्ट किया गया है। अगर कहीं पे डाउट आता है आपको तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। Is that clear? So that was the question number 9. Now we'll move on to the question number 10. So question number 10 में है, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कुछ सूची दी गई है और उसके सामने कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। मैच द फॉलोइंग है एक्चुअली, विधायी संबंध 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 और वित्तीय संबंध 264 से 293। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या सभी करेक्टली मैच्ड है या सभी गलत मैच्ड हैं? क्या होगा इसका ऑप्शन? ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3 और ऑल ऑफ द अबव? मतलब सभी सही मैच्ड हैं कि कुछ गलत है? यस, फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो सही हैं, पर थर्ड गलत है। वित्तीय संबंध जो है वो दिया ना 264 से 293, ये एक्चुअली में 268 से 293 के बीच में है। मतलब थर्ड जो आपका मैच द फॉलोइंग है वो गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1 and 2। ठीक है, एक और दो। तो इसके बारे में समझे, पहली बात तो ये सवाल कौन से टॉपिक से है? पार्ट 11 और पार्ट 12। पार्ट 11 में केंद्र, राज्य, प्रशासनिक और विधायी संबंध दिए गए हैं और भाग 12 में वित्तीय व्यवस्था के बारे में दिया गया है। हालांकि आप देखें तो भाग 12 जो है वो शुरू होता है 264 से 293 तक के, पर 264 से 268 के बीच में वित्त से जुड़ी कुछ दूसरी चीज़ें दी गई हैं। जैसे 266, 267 में आप देखेंगे तो जो आपकी लोक, जो आपकी कंटिजेंसी फंड है, जो आपका संचित निधि है यानी कंसोलिडेटेड फंड है, जो आपकी आकस्मिकता निधि है, जो लोक लेखा निधि है, इनके बारे में दिया गया है। कुछ अबाउट्स दिए गए भारत की वित्तीय व्यवस्था के बारे में। पर सवाल क्या पूछा है?
केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से संबंधित कौन से आर्टिकल्स हैं। तो एक्चुअली 267 तक के तो कोई संबंधित चीजें नहीं है, केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध दर्शाने वाले कुछ भी नहीं है। इस बीच में केवल केवल केंद्र की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। क्या बता रही हूँ समझे, देखो पार्ट 11 जो है 245 से लेकर 263 तक, इसका तो टाइटल है केंद्र राज्य संबंध, और उसमें दो टाइप का बटा हुआ है, 245 से 255, ये आपके पूरे विधायी संबंध बता दिए गए हैं, और 256 से 263 ये पूरे कार्यकारी संबंध बता दिए गए। तो पूरा 45 से 63 तो केंद्र राज्य प्रशासनिक और विधायी संबंध है ही, बट जो वित्तीय संबंध है वो वित्तीय व्यवस्था जो दी गई है भाग 12 में उसमें है केंद्र और राज्य का संबंध। तो वित्तीय व्यवस्था जो दी गई है वो 64 से 93 के बीच में दी गई है, तो वित्तीय व्यवस्था का एक हिस्सा है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। वित्तीय व्यवस्था पूरी केंद्र की वित्तीय व्यवस्था है, उसका में कुछ आर्टिकल्स हैं जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे 64 से 93 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो केंद्र राज्य संबंधों को दर्शाते हैं, ऐसा नहीं। शुरुआत की ये जो है वो केंद्र की वित्तीय व्यवस्था के बारे में कुछ बताते हैं, और 268 टैक्स के बंटवारे यहाँ से शुरू हो जाते हैं कि कौन सा टैक्स केंद्र लगाएगा, कौन सा राज्य वसूलेगा, कौन किसका इस्तेमाल करेगा, 268, 269, ठीक है, GST, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, ये जो पूरे आते हैं वो 268 से स्टार्ट होते हैं। तो केंद्र राज्य सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस जो होते हैं वो 268 से शुरू होते हैं पार्ट 12 में, और 293 तक के कुछ ना कुछ इसका उल्लेख है। इज दैट क्लियर? तो केंद्र राज्य संबंध पार्ट 11-12 से क्वेश्चन है। पहले दोनों ऑप्शन सही हैं, पर थर्ड ऑप्शन 268 से स्टार्ट होता है, ना कि 264 से। इज दैट वेरी क्लियर? कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार करिए। अगेन आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची। और सवाल पूछा है इनमें से कौन सी विशेषताएं भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन कौन से पार्ट से, क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के संवैधानिक विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो आप पढ़ते हैं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। और पूछा है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में इनमें से कौन से प्रावधान थे, ठीक है। तो आप उसे रिवाइज करेंगे तो हम एक एक देखते हैं वो थे कि नहीं थे। द्विसदनीय प्रणाली, बिल्कुल सही, इसी में सजेस्ट किया गया था कि दो सदन होंगे, एक होगा लोअर हाउस एक होगा अपर हाउस, तो फर्स्ट वाला सही है। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, 1892 तक की इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान था बिना नाम लिए, लेकिन इसमें डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई क्योंकि रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार की बात पहली बार इसी अधिनियम में की गई थी, और उत्तरदायी सरकार का सीधा सीधा लेना देना डायरेक्ट इलेक्शन से था, तो ऑप्शन 2 भी सही है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, यस, जो राज्य स्तर की लोक सेवा आयोग थे या ज्वाइंट PSC थे वो 1935 में बने थे, और केंद्रीय स्तर का जो लोक सेवा आयोग था उसका गठन 1919 के इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से ही किया गया, ठीक। अगला है हस्तांतरित विषय वस्तु पर गवर्नर का शासन। आप जानते ही होंगे कि 1919 का एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान था डायार्की, द्वैत शासन। इसका मतलब है कि पूरे प्रशासन की विषय वस्तुओं को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, आरक्षित विषय वस्तु और हस्तांतरित विषय वस्तु, ठीक। तो दोनों विषय वस्तुओं पर ऐसा हुआ करता था कि एक हस्तांतरित विषय वस्तु जो है उस पर कानून कौन बनाता था, लेजिस्लेटिव, विधान परिषद, और जो आरक्षित विषय वस्तु है उस पर कौन बनाता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दो हिस्से थे ना, देखो आप इस पर पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको और क्लियर होगी, हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकते। कार्यकारी परिषद थी एक, गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद थी, विधायी परिषद को जो दिए गए कानून बनाने के लिए हिस्से वो ट्रांसफर्ड लिस्ट थी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जो बचे थे वो रिजर्व लिस्ट थी, पर दोनों पर अल्टीमेट नियंत्रण किसका था, गवर्नर का था। तो उसी में से सवाल उठाया है कि जो हस्तांतरित विषय वस्तु है उस पर गवर्नर का शासन होगा, बिल्कुल होगा, भले ही उस पर कानून विधान परिषद बनाएगी पर अल्टीमेटली उस पर जो सुपरविजन होगा वो गवर्नर का होगा, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ये बनाई गई थी, हालांकि 1935 में इसे बहुत ज़्यादा डिटेल किया गया था, बट इनिशियली ये सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई गई थी, ठीक है। तो इस तरह से इसके पूरे पांचों के पांचों स्टेटमेंट सही बैठते हैं, और आपका ऑप्शन होगा आंसर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ये क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो 1909, 1935 ये जो तीन अधिनियम होते हैं, इनके प्रावधानों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच में तीन सूचियाँ के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। थोड़े बहुत देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, इग्नोर इट, ठीक। और अगेन ये क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है और 1919, 1935, 47 इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन व्हाट? ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन सुनिए। आपको अभी अभी मैंने कुछ चीज़ें कही लास्ट उसमें कि स्पष्ट तरीके से विभाजन 1935 में था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ बताई थी। देखिए 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें मेनली जो अवधारणा आई थी वो थी फेडरलिज्म की, कि भारत का एक संघीय ढांचा होगा। और संघीय ढांचे को हमने लास्ट क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया था कि संघीय ढांचे का मतलब होता है सीधा सीधा शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो 1935 में जब संघीय ढांचे की बात की गई तो उसका सीधा इंडिकेशन था कि विषय वस्तुओं को अलग अलग सूचियों में डिवाइड किया ही जाएगा, जो कि किया गया। और इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि इनमें से किस अधिनियम में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो जो तीन लिस्ट बनी है वो थी फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट, वो आज के टाइम से। तो उस टाइम ऐसा बोला जाता था इनको, जो संघीय सूची है उसको हम कहते थे फेडरल लिस्ट, राज्य सूची को हम कहते थे प्रोविंशियल लिस्ट यानी प्रांतीय सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। उस टाइम 1935 में जो आपकी फेडरल लिस्ट थी सेंट्रल वाली, उसमें 59, जो आपकी प्रोविंशियल लिस्ट थी प्रांतीय वाली उसमें 54, और आपकी जो समवर्ती सूची थी कॉन्करेंट वाली उसमें 36 विषय वस्तुएं ऐड की गई थी, जो कि आप जानते हैं आज इनसे काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 100 है, इसमें 61 है और इसमें 52 है। 1935 के अधिनियम में ही ये तीनों सूचियों का बंटवारा हुआ था, मतलब डिवीजन ऑफ पावर हुआ था। तो आंसर इज ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब, ठीक है, पूछ रहा है कि राज्यसभा डिक्लेयर कर सकती है कि स्टेट लिस्ट में कानून बनाना है, तो उस सिलसिले में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगेन ये डिवीजन ऑफ पावर से ही क्वेश्चन उठाया कि राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी राज्य की विषय वस्तु पर आपको संसद में कानून बनाना है, तो उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तीन स्टेटमेंट्स मैं पढ़ती हूँ इसमें। संसद इस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो देखिए राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास कर देती है कि संसद कानून बनाएगी, तो अब उसके पास पावर आ जाएगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि आर्टिकल 249 के जरिए राज्यसभा एक संकल्प पारित कर कर किसी राज्य की विषय वस्तु पर संसद को सक्षम बना सकती है कानून बनाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में से 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एक तरह की स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होगा। अगर किसी राज्य की विषय वस्तु पर आप कानून बना रहे हैं तो ये सीधा सीधा संघीय ढांचे पर एक हस्तक्षेप होता है, हालांकि केंद्र राज्य संबंध में इसका प्रावधान है, लेकिन ये स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, जो वहाँ पे प्रेजेंट मेंबर्स उसके 2/3 सपोर्ट से ही ये प्रस्ताव पारित होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और थर्ड है आपका, ये प्रस्ताव एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा, यस, ठीक है। मतलब अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ की किसी विषय वस्तु पर केंद्र कानून बनाना है, केंद्र को कानून बनाना प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो एक साल तक की वैलिड रहेगा, और एक साल तक के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, छत्तीसगढ़ की स्टेट लिस्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई कानून बनाने का पावर एक साल तक के संसद के पास रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये प्रस्ताव एक साल तक वैलिड रहेगा, ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, और आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ये भी एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। लेट इज नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। सो द क्वेश्चन इज, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब कि कोई ऐसा संकल्प जो कि आपातकाल की घोषणा करता है या उसकी कंटिन्यूएशन की बात करता है, उसे सदन से
विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, तो उस विशेष बहुमत का मतलब क्या है और दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखिए, इसका जिक्र हमने पिछले एक दो वीडियोस में भी किया है कि अलग अलग तरह के बहुमत होते हैं जिससे कोई भी संकल्प या प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, और उस पर से ये दिया गया कि विशेष बहुमत का मतलब क्या है। तो देखिए, विशेष बहुमत में पहली चीज़ दी गई उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है आपका 1 और 2 दोनों, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है ना, उसका मतलब ही होता है कि टोटल मेंबर्स, मेजॉरिटी का मतलब मोर देन 50%, ठीक है। इसलिए कहा ना कि कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब है मोर देन 50%। मोर देन जो आपका जो स्पेशल मेजॉरिटी बोल रहा है, स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, उस सदन में जितने कुल सदस्य होंगे, जैसे अगर लोकसभा में होता तो 545 के 50% से ज्यादा, ठीक है, राज्यसभा में बात होती है तो 245 के 50% से ज्यादा, इसी को आप मेजॉरिटी बोलते हो, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि कुल सदस्य के 50% से ज्यादा प्लस उस दिन उस पर वोट डालने के लिए जितने लोग सदन में मौजूद हैं उनके एटलीस्ट 2/3, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाकर के वो विधेयक पारित होगा। तो 2/3 भी होना चाहिए मौजूदा वोट डालने वाले सदस्यों का, वो आपका कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जो कुल सदस्य हैं उनके 50% से ज़्यादा वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए टोटल मेंबर्स हैं 150 और उस दिन वोट डालने वाले और मौजूदा सदस्य हैं 100, तो बोलता है कि मान लीजिए उसी दिन ये इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए वोटिंग हो रही है या कंटिन्यू करने के लिए वोटिंग हो रही है और स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास हो सकता है, तो क्या रिक्वायरमेंट होगी? देखिए, तो पहला है कि मोर देन 50% ऑफ टोटल, तो 150 का 50% से ज़्यादा यानी 76, और मौजूदा सदस्यों के 2/3, तो मौजूदा सदस्य कितने हैं 100, उसका 2/3 कितना होगा 66.6, उसको उससे ज़्यादा 66.6 तो आप नहीं ले सकते, तो कितना लेंगे 67, ठीक है। तो या तो 67 लिया जाएगा या तो 76 लिया जाएगा, पर आप वो आंकड़ा लेंगे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप 67 लेंगे तो वो मौजूदा सदस्यों का 2/3 से ज़्यादा तो होगा, लेकिन वो कुल सदस्यों का 50% से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए आप क्या आंसर लेंगे, 76 लेंगे, क्योंकि 76 150 का 50% से भी ज़्यादा है और मौजूदा सदस्यों का 2/3 से भी ज़्यादा है। इसे रिपीट मोड पर सुने जो मैं कह रही हूँ, गौर से समझें, मेजॉरिटी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें से जो भी बड़ा आंकड़ा होगा वही इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और विशेष बहुमत जहाँ पे भी लिखा रहता है उसका मतलब यही होता है, इमरजेंसी जब भी प्रोक्लेम की जाती है तो ऐसा ही किया जाता है कि टोटल सदस्यों का 50% से ज़्यादा और मौजूदा वोट डालने वाले सदस्यों के 2/3 की बहुमत। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ऑप्शन सी, बोथ इन 1 और 2 आर करेक्ट। इज दैट क्लियर? सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज सेशन। सो द क्वेश्चन रीड्स एज, राज्य के नीति निचक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पीएससी में आपको इस तरह से अवलोकन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए हमारे भी इस एक एफर्ट है कि आपके क्वेश्चंस, आप देख रहे होंगे शुरुआत में मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस डील करे और उसके बाद से इस तरह के विश्लेषण वाले क्वेश्चंस डील कर रही हूँ मैं, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएँ और इन पर भी ज़्यादा एक अच्छा खासा ध्यान दें। तो इसमें भी अगेन कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, डीपीएसपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा है कि कथन असत्य कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा पूछा है। एक एक करके हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड कौन सा कथन असत्य है। ये सकारात्मक होते हैं, सही कि गलत? बिल्कुल सही। देखो, डीपीएसपी आप सभी जानते हैं पार्ट 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 36-51 के बीच में दिया गया है, और इसका मेन मकसद है कि जब भी केंद्र राज्य सरकारें कोई कानून बनाती हैं तो ये एक तरह की गाइडलाइंस है कि आप ऐसा ऐसा करें, कोशिश करें कि लोगों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए ये सारी चीज़ें हो सकें। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो ये ऑप्शन 1 सही है, ठीक। दूसरा है, ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिशेबल। बिल्कुल सही। आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल फिलोसफीज 3 हैं,
एक है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है नीति निषेध तत्व। ये फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का दर्शन कहलाता है। इनमें केवल एक ही ऐसा फिलॉसफी है जो न्यायोचित है, जिसके लिए आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और वो है मौलिक अधिकार। बाकी मौलिक कर्तव्य और DPSP के लिए आप न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते उसे एनफोर्स कराने के लिए। तो इस तरह से DPSP भी गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशेबल है, इसे आप ज़बरदस्ती कानून का सहारा लेकर एनफोर्स नहीं करा सकते। तो ऑप्शन टू भी इसका सही है। तीसरा है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी की बात हमारा प्रियम्बल करता है उसे स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य है। बिल्कुल सही, ये समाजवादी इट इज सोशलिस्ट, ये भी सही है। दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, ये गलत है। ये प्रिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, गाइडलाइन है, इंस्ट्रक्शन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि संविधान में अगर आ गया है तो ये इन्फोर्स होता है। तो ये ऑप्शन यानी जो स्टेटमेंट है फिफ्थ, ये गलत है। फिर अगला है इनका उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। ये जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ना, ये उसी का ऑपोजिट फिफ्थ और सिक्स स्टेटमेंट है, समझ रहे हैं। एनफोर्स नहीं हो सकता, गैर न्यायोचित है, एनफोर्स नहीं हो सकता। और सिक्स स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एनी लॉ वायलेटिंग इट कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कोर्ट। भाई कोर्ट बोल रहा है कि कोई लॉ अगर DPSP के अगेंस्ट होगा तो कोर्ट उसे इलीगल करार दे देगा। ऐसा क्यों करेगा जबकि DPSP जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है। आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा ही नहीं सकते। तो कोर्ट किसी DPSP का उल्लंघन करने वाले लॉ को गैर न्यायोचित होने की वजह से, मतलब मेरा ये कहना है कि कोर्ट जो है किसी DPSP के उल्लंघन करने वाले कानून को रद्द नहीं कर सकता। कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के उल्लंघन करने वाले कानून को रद्द कर सकता है अंडर आर्टिकल 13, लेकिन DPSP क्योंकि नॉन जस्टिशेबल है तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई कानून DPSP का उल्लंघन करता भी है तो भी वो वैध होगा। तो इस तरह से DPSP से रिलेटेड इन सभी ऑप्शंस में फिफ्थ और सिक्स जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 5 और 6, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ना असत्य कथन पहचानिए। तो बाकी के शुरू के 4 सही हैं, फिफ्थ और सिक्स गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट वेरी क्लियर? सो देखिए, दिस वाज द 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी सेशन ऑफ FTR टुडे। आप देख सकते हैं थोड़ा हमने क्वेश्चंस की संख्या जरूर बढ़ाई है, बट हम एक्सप्लेनेशन इससे कम नहीं कर सकते। थिंक ऑफ द पीपल हु हैवंट लाइक डेल्ट ऑल द क्वेश्चंस इन डिटेल। टॉपिक्स आप डिटेल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ उस चीज़ को कि हमारा मोटिव सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करना नहीं है, आपका रिवीजन करवाना है। तो मैं एक्सप्लेनेशन जो दे रही हूँ उसी पर से बहुत सारे और क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप एक्सप्लेनेशन को इग्नोर ना करें, आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन में से 5-6 क्वेश्चंस निकलते हैं तो उस पर भी ध्यान दें। मैं एक्सप्लेनेशन इससे कट शॉर्ट करूंगी तो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव देना ही एक रह जाएगा, एक्सप्लेनेशन का कोई मायने नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 15 करेंगे, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन इतना तो कम से कम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये मान के चलो उस एक्सप्लेनेशन में भी क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। इज दैट वेरी क्लियर? सो विल बी ट्राइंग टू मेंटेन दिस क्वेश्चन लिमिट अबाउट 15 क्वेश्चंस, और कोशिश करेंगे और भी कुछ अगर आप लोगों के सजेशंस हो तो उसको हम इसमें ऐड ऑन करें। दैट इज ऑल विद द FTR पॉलिटी सेशन ऑफ टुडे। लेट्स मीट टुमारो एट 8 AM शार्प। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।